दोस्तों आज आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो लेके आया हूँ, मोस्ट टाइम पे सामान्य ज्ञान, वो भी फोटो के साथ पार्ट टू। इससे पहले पार्ट वन अपलोड हो चुका है, अगर देखना बाकी हो तो देख लीजिएगा। आज के वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चन जो नीचे दिए हुए हैं, जैसे कि लारा दत्ता मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला है, तो फर्स्ट कौन है? सुष्मिता सेन है। असम सरकार का बड़ा फैसला, हिमा दास को डीएसपी बनाया, किस सरकार ने बनाया? असम सरकार ने। रेडमी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सोनू सूद है। तो ऐसे क्वेश्चन आज के वीडियो में हम देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं एजुकेशन में मैं अरविंद मकवाना आप सबका स्वागत करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम के लिए हर रोज नए वीडियो और नई जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए हुए बेल को प्रेस करें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है आप तुरंत ही देख पाए, आपको वेट नहीं करना पड़े। दोस्तों वीडियो अच्छी तरह से देखना, क्योंकि लास्ट में आपकी टेस्ट भी रखी जाएगी, इसी वीडियो में से आपको वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अच्छी तरह से वीडियो देखिए और लास्ट में टेस्ट देके आप अपना नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं। और इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो वो कहाँ से मिलेगी, वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो सबसे पुरानी सभ्यता है वैदिक सभ्यता। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? सुमेरियन सभ्यता है। अगर भारत की पूछा जाए तो वैदिक सभ्यता और विश्व की पूछी जाए तो सुमेरियन सभ्यता आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। सीएट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आमिर खान को बनाया गया है, आप फोटो में भी यहां पे देख सकते हैं। पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान है, फोटो में देख सकते हैं आप सलमान खान। रेडमी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सोनू सूद है। सिस्का ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राजकुमार राव को। तो इससे पहले इरफान खान जो थे वो थे, उनकी डेथ हो जाने के बाद राजकुमार राव को अभी सिस्का ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार है, फोटो में आप देख सकते हैं अक्षय कुमार को। असम सरकार का बड़ा फैसला, हिमा दास को डीएसपी बनाया, तो हिमा दास एक दौड़वीर है, उसको डीएसपी बनाया गया है असम सरकार के द्वारा। लारा दत्ता मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला है, तो अगर दूसरी पूछी जाए तो लारा दत्ता, प्रथम पूछी जाए तो सुष्मिता सेन। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, तो पूछा जाए अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, आप फोटो में देख सकते हैं कल्पना चावला को। सबसे लंबा देश कौन सा है? चिली है, जो लंबा एकदम लंबा देश है वो है चिली। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है, रूस जो है वो सबसे बड़ा देश है विश्व में। विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है? कतर है, कतर सबसे अमीर है। सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? अमेरिका है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है जो है वो सबसे बड़ा है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, एशिया में हम लोग रहते हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। और अगर यदि पूछा जाए सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो भी आंसर आएगा प्रशांत महासागर। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? तो अगर यदि पूछा जाए भगत सिंह का पूरा नाम लिखिए, तो भी आपको पता होना चाहिए, और उनके पिता का नाम पूछा जाए तो भी आपको पता होना चाहिए। सरदार किशन सिंह उनके पिता का नाम था, आप फोटो में यहाँ पे देख सकते हैं, ये सरदार किशन सिंह और ये है भगत सिंह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? जानकीनाथ बोस, तो यह है जानकीनाथ बोस। और
यह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। तो यह है करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी के पिता, और यह है महात्मा गांधी। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी? सरयू नदी। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है, जिसे हम नवाबों के शहर के नाम से भी जानते हैं लखनऊ को। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। एग्जैक्ट ये जो ताजमहल है उसके पीछे है, यमुना नदी बहती है। तो आप अगर गए होगे यहाँ पे आगरा में ताजमहल देखा होगा, तो पीछे यमुना नदी है। अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे बसा है? साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है अहमदाबाद, और यहाँ पे ये रिवर फ्रंट बनाया हुआ है जो कि 12.5 किलोमीटर लंबा है ये रिवर फ्रंट। आगे देखते हैं, कोलकाता कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा हुआ है। तो जो गंगा नदी जाती है पूरे भारत में बह के, और जब वो कोलकाता में पहुंचती है तो उसे गंगा को यहाँ पे हुगली नदी कहा जाता है। तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता। और ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये तो आप सब जानते ही होंगे, कौन सा ब्रिज है? हावड़ा ब्रिज है। तो हावड़ा ब्रिज का फोटो दिया हुआ है, और ये है हुगली नदी। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा है? मुसी नदी के किनारे बसा हुआ है हैदराबाद। किस देश के सबसे ज्यादा पड़ोसी देश है? तो चीन देश के सबसे ज्यादा पड़ोसी देश है। कितने देश है? 14 देश जो है वो चीन के पड़ोसी देश है, मतलब चीन की सरहद जो है वो 14 देशों से लगती है। बीएसएफ की फुल फॉर्म क्या है? तो उसका होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बी का बॉर्डर, एस का सिक्योरिटी, और एफ का फोर्स। तो कई बार एग्जाम में इनके फुल फॉर्म पूछे गए हैं, तो ऐसे कुछ फुल फॉर्म आज हम देखेंगे। एसएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सशस्त्र सीमा बल, SSC SSB। एस का मतलब सशस्त्र, एस यानी सीमा, और बी यानी बल, तो सशस्त्र सीमा बल होता है। CAPF की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। CAPF की फुल फॉर्म होती है। AR की फुल फॉर्म क्या होती है? आसाम राइफल्स होती है। ITBP की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। क्या होता है? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये पुष्कर में स्थित है, जो कि राजस्थान में आता है। राजस्थान के पुष्कर में भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में हुई थी। गणेश जी बिठाने की शुरुआत 1893 में लोकमान्य तिलक जी के द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी। तो गणेश जी को जो बिठाते हैं हर साल, वो शुरुआत कब हुई थी? 1893 में। किसने करवाई थी? लोकमान्य तिलक जी ने। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। तो ये बहुत ही बड़ा उत्सव है जो कि अभी के समय में पूरे देश में मनाया जाता है। अब आपकी टेस्ट, जो हमने वीडियो देखा उसी में से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, जिससे मुझे पता चले कितने लोग अच्छी तरह से वीडियो देखते हैं और कितने लोगों को इनका आंसर आता है। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना बाकी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिए हुए बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है आप तुरंत ही देख पाए, आपको वेट नहीं करना पड़े।
दूसरी बात, इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, आप चैनल के नाम पे क्लिक करके वीडियोज़ में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाके अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग वीडियोज़ भी देख सकते हैं। इस वीडियो की PDF और डेली करंट अफेयर पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी हुई है, तो वहाँ से फ्री में ज्वाइन होकर फ्री में डेली करंट अफेयर और ऐसी मोस्ट टाइम पे PDF पा सकते हैं। दूसरा तरीका है, इस नंबर पे ज्वाइन लिख के आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, वहाँ पे भी आपको डेली करंट अफेयर और मोस्ट टाइम पे PDF मिलती रहेगी। अब बात करते हैं टेस्ट की। टेस्ट में प्रथम क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हिमा दास को DSP बनाया है? तो अभी हिमा दास को DSP बनाया गया है, लेकिन किस राज्य सरकार ने बनाया है वो आपको बताना है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? कई बार पूछा गया है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हॉट टॉपिक है ये, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और अयोध्या किस नदी के किनारे है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चारों क्वेश्चन के आंसर आपको क्रमशः देने हैं। आशा रखता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।